गुड मॉर्निंग किड्स वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा डाटा को ऑर्गेनाइज करना लास्ट चैप्टर में आपने क्या सीखा था कलेक्शन ऑफ डाटा दैट यू ऑल हैव कलेक्टेड द डाटाज नाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा उस डाटा को अब ऑर्गेनाइज करना है आपको ओके ना वॉट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन

ना वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज क्लासिफिकेशन इट इज द इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा डाटा को ऑर्गेनाइज करने की सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड है डाटाज को क्लासीफाई करना अरेन्जिंग दैम ऑन द पर्टिकुलर बेसिस सिस्टमैटिक मैनर अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज ऑफ डाटा सो so, अब हम क्या करेंगे उसको सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटाज हैं उसको और सिंप्लीफाई करना देन टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना सो दैट ईजीली वी कैन अंडरस्टैंड और द पर्सन कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग द और दोज हु आर ऑर्गेनाइजिंग द डाटाज नाउ नेक्स्ट वन इज टू फैसिलिटेट द कम्पेरिजन ईजीली यू कैन कंपेयर इफ़ यू आर क्लासीफाइंग द डाटाज देन टू मेक एनालिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी एनालिस को और इंटरप्रिटेशन को ईजी करने के लिए भी क्लासीफिकेशन बहुत जरूरी है टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देर कॉमन कैरेक्टिस्टिक्स डाटा को उनके कॉमन क्वालिटीज के बेसिस पे उनको क्लासीफाइड किया जाता है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासीफिकेशन क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला क्या है कॉम्प्रिहेंसिव ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है इट मींस जो भी डाटा का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए उसके प्रॉपर ग्रुप्स और क्लासेस में वो डिवाइड होना चाहिए कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए सो दैट कम्स अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी अब जो गुड क्लासिफिकेशन होता है उसमें बहुत क्लैरिटी होती होती है इट मीन्स दैट इज देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन द ग्रुप कोई भी जो आइटम आपने प्लेस किया है उसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इट शुड बी एब्सोल्यूटली क्लियर एंड सिंपल बहुत ही क्लियर और सिंपल होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजेनिटी इट मीन्स ऑल द आइटम इन द ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस मतलब कि सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से होमोजीनियस मतलब एक जैसी क्वालिटी वाले नाव नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबिलिटी नाव सुटेबिलिटी इज द कम्पोजिशन ऑफ द क्लास मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनक्वायरी अब आपने क्यों बनाया है क्यों क्लासीफाई किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑब्जेक्टिव उद्देश्य उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ओके सो दस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जो भी आपने जिस भी लेवल पे क्रिएट किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल होना चाहिए देन स्टेबिलिटी अब पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन दिस बेस शुड नॉट चेंज विथ ईच इन्वेस्टिगेशन आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसका एक बेस होता है किस आधार पर आप इन्वेस्टिगेशन करने गए थे अब वो हर बार चेंज नहीं होना चाहिए देन इलास्टिक क्लासीफिकेशन शुड भी इलास्टिक अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑब्जेक्टिव स्टडी इसके जो स्कोप है वो बहुत वाइड हैं ये चेंज होते जाते हैं

क्वानिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड अल्फाबेटिकल क्लासीफिकेशन ना फर्स्ट ऑफ ऑल जोग्रफिकल क्लासीफिकेशन द क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द जोग्रफिकल और लोकेशनल डिफरेंस ऑफ डाटा दैट इज कॉल्ड जोग्रफिकल क्लासिफिकेशन जब भी स्टेट्स के बेसिस पे रीजन के बेसिस पे जो जोन के बेसिस पे क्लासीफिकेशन होता है तो वो क्या कहलाता है जोग्रफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं पंजाब में इतना फूड ग्रेन प्रोडक्श प्रोडक्शन हुआ है एमपी में इतना वीट का प्रोडक्शन हुआ है तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं जोग्रफिकल एरिया के बेसिस पे है ना सपोज करो कि एक कंपनी है इंडिया के एक डिफरेंट स्टेट में सपोज कर लो गुजरात में है और एक कंपनी है एमपी में एक कंपनी है दिल्ली में तो आप जब इन सब के प्रोडक्शन को कंपेयर करोगे बाइसिकल के प्रोडक्शन को कंपेयर करोगे तो वो किस बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो उसके एरिया वाइज पे कंपेरिजन कर रहे हो तो जब भी हम लोकेशन या एरिया वाइज कंपेरिजन करेंगे तो वो होगा जोग्रफिकल क्लासिफिकेशन सेम य जब हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे इट मींस लास्ट टाइम पे तो लास्ट ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ था इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ है तो जब हम टाइम पीरियड बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बिहाफ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे या डाटा को कलेक्ट करेंगे क्लासीफाई करेंगे तो वो उस वक्त हो कहलाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासीफिकेशन नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन इट इज़ वेन वी आर डिवाइडिंग और क्लासीफाइंग द डाटाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस ऑफ लाइक ऑक्यूपेशन रिलीजन लिटरेसी इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पॉपुलेशन हाँ और ऑन द बेस ऑफ सेक्स सो लिटरेसी लेवल सो दीज ऑल टर्म्स कम्स अंडर द क्वालिटेटिव क्वालिटी के बिहाव पे जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन फर्दर ऑन इट इज़ अगेन डिवाइडेड ऑन द टू कैटेगरीज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज दैट इज सिंपल क्लासीफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासीफिकेशन देखो जब सिंपली हम कब जब पता करते हैं डाटास को क्लासीफाई करते हैं मेल और फीमेल के बेसिस पे तो वो हो जाएगा सिंपल uh, क्लासिफिकेशन लेकिन जब हम उनको फर्दरली क्लासीफाइड करते हैं जैसे कि अब हमने मेल को भी क्लासिफाई कर दिया लिटरेट बेसिस पे इलिटरेट बेसिस पे उसको भी लेटर ऑन हमने और डिवाइड कर दिया अर्बन और रूरल बेसिस पे वैसे ही हमने लिटरेट को भी इलिटरेट को भी अर्बन और रूरल बेसिस पे डिवाइड कर दिया तो जब हमने फर्दर ऑन उसको और क्लासीफाइड करते गए और डिवाइड करते गए तो वो हो जाएगा मैनी ओके देन क्वान्टिटेटिव क्लासीफिकेशन जब हम इन इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पे मेज़र करते हैं या क्लासिफाई करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे फैक्ट्स के बेसिस पे जब हम क्लासीफाइड करते हैं सो दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा जैसे कि हाइट है वेट है इनकम है सेल्स प्रॉफिट है प्रोडक्शन है इस सबको हम क्या करते हैं नंबर्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स में शो करते हैं सो दिस इज़ द क्वान्टिटेटिव क्लासीफिकेशन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन वेन द डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहे आप उसको स्टेट वाइज डेंसिटी पॉपुलेशन को आप अल्फाबेटिकली शो करते हो तो वो क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरिएबल अब वेरिएबल क्या होता है इट इज़ अ कैरेक्टिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ डिफरेंट पर्सन और ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप अज्यूम करते हो और जो कि चेंज हो जाने वाला है रेफर टू द प्रॉपर्टी दैट कैन टेक और डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज विच कैन नॉट बी प्रोडिक्ट विथ सर्टनली आप इसको सर्टन नहीं मान सकते हो निश्चित नहीं है दैट कैन बी चेंज्ड ओके नाउ इट इज ऑफ टू काइंड कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल अब न्यूमेरिकल अगेन इट इज़ फर्दरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट दैट इज डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस देखो कैटेगोरिकल में क्या होगा आप सिंपली जब आपको येस और नो में एग्जाम आंसर मिलेगा वेरिएबल हैव वैल्यूज दैट कैन कैन ओनली बी प्लेस इन टू कैटेगरीज सच एज़ यस और नो इफ अगेन वॉच दैट अगर आपसे पूछा गया मैरिटल स्टेटस मीन्स आप मैरिड हो या नहीं तो इसका उत्तर हाँ या ना में आएगा आई कलर मीन्स इस तरह के जो मीन्स पॉइंट हैं इसमें येस और नो में ही आंसर आएगा किस कैटेगरी में आपको रखा जाएगा देन न्यूमेरिकल अब ये क्वांटिटेटिव है ठीक है कैसे क्वांटिटेटिव है इसमें वैल्यूज रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंट की जाएगी अब इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज क्या है कंटीन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस सीरीज में क्या है आप मेज़र करते हो कोई भी चीज को मेजर करते हो ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ डाटा अब रॉ डाटा इज द डाटा जस्ट एज इट वाज कलेक्टेड नो शॉर्टिंग नो ग्रुपिंग नो प्रोसेसिंग जैसे आपने डाटा को रिकॉर्ड किया है आप सपोज करो डाटा कलेक्ट करने के लिए गए है ना अब आप, आपको मैंने कहा कि आप अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आप इकोनॉमिक्स के नंबर लिख -ले के लेके आओ ठीक है तो आपने क्या किया सिंपली आप ने किसी भी तरीके से उसको क्लासीफाइड नहीं किया आप गए सबके पास में आप केवल उनके नंबर्स को नोट करते गए नोट करते गए फिर आप क्या करोगे एज इट इज जब आप डाटा को रखते हो अपने पास में वो क्या है रॉ डाटा है फिर बाद में आप उसको क्या करोगे गर्ल्स और बॉयज़ करके शॉर्ट आउट करोगे फिर नम, उसको आप क्या करोगे रोल नंबर वाइज अरेंज करोगे या अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो उस तरीके से वो शॉर्टेड डाटा हो जाएगा या ग्रुप डाटा हो जाएगा ओके okay? नाउ स्टेटिस्टिकल सीरीज अब स्टेटिस्टिकल सीरीज भी जो है वो थ्री काइंड की होती हैं स्टेटिस्टिकल सीरीज क्या होती है सबसे पहले इट रेफर टू द दो डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हुए आ रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे डाटा को पर्टिकुलरली किसी ना किसी सीरीज में तो मेंशन करेंगे तो उन सीरीज में भी वो थ्री कैटेगरीज की होती हैं एक इंडिविजुअल सीरीज होती है एक डिस्क्रीट सीरीज होती है एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है नाउ वी विल नो अबाउट दैम इंडिविजुअली अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज इन द इंडिविजुअल सीरीज डाटा आर लिस्टेड एज दे आर ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल आइटम इज रिकॉर्डेड इन सच सीरीज इट इज़ इट आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली देखो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है सीरियल नंबर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब आप उनके हाइट अगर मेजर करने गए ठीक है तो नंबर वन जो था सीरियल नंबर उसका ये हाइट था सेकेंड वाले का इतना है थर्ड का इतना है तो इस तरीके से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपने सीधे सीधे उसके सामने मैंशन कर दी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज इज वन इन विच exact measurement of item is given. In other words, it is formed from item which are exactly measurable. देखो अब आप जब यहाँ गए तो आपको पता चला कि तीन बच्चे ऐसे हैं जिनका की वेट फोर्टी है तीन बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट फिफ्टी है और चार बच्चे ऐसे जिनका वेट सिक्सटी है उन्हीं टेन स्टूडेंट्स को आपने क्या किया शॉर्ट आउट कर दिया और कैलकुलेट कर दिया इट मीन्स आपने इसको फ्रीक्वेंसी एक नंबर कितनी बार आ रहा है उस बिहाफ पे आपने उसको डिस्क्राइब किया है किड्स यहाँ पे नंबर भी है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको इट मीन्स वो कितनी बार अकर हो रहा है ठीक है ना ये कंटिन्यूस सीरीज जहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे कि थर्टी से फोर्टी के बीच में फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप अभी टेंथ में इस चीज़ को पढ़ के आए हो मैथ्स में ना नेक्स्ट इज काइंड ऑफ कंटीन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज के प्रकार एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज ओपन एंडेड सीरीज मिड वैल्यू सीरीज एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैम वन बाय वन एक्सक्लूसिव सीरीज़ का एग्जाम्पल देखो आपको जल्दी समझ में आएगा देखो इसमें मार्क्स दिए आपको जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी और थर्टी टू फोर्टी इसमें हर एक की जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट है आप नोटिस कर पा रहे हो हर एक क्लास इंटरवल में जैसे टेन अगर यहाँ की अपर लिमिट है तो अगले वाले क्लास में जाके वो लोअर लिमिट बन जा रही है दिख रहा है वैसे ही ट्वेंटी यहाँ पे जो ये टेन लोअर लिमिट है वहाँ सॉरी अपर लिमिट है वो यहाँ जाके लोअर लिमिट बन जा रहा है फिर यहाँ पे ये यह जो ट्वेंटी है जो अपर लिमिट है वो अगले में जाके लोअर लिमिट हो गया तो इट मीन्स एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट ऑफ दीज क्लासेस ऑल द आइटम्स ऑफ क्लास आर इंक्लूडेड इन द क्लास इट्स सेल्फ जितने भी आइटम्स इनकी सीरीज इंक्लूडेड होती है ठीक है सॉरी एक्सक्लूसिव होती है एक्सक्लूसिव सीरीज में इंक्लूड होती है नाव इंक्लूसिव सीरीज इसमें अपर क्लास की जो लिमिट है वो इंक्लूडेड होती है रिस्पेक्टिव क्लासेज में जैसे कि ज़ीरो टू नाइन ठीक है अब अगली लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है टेन से हो रही है फिर अगली लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है आप देखो ट्वेंटी से हो रही है इट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होती है क्लासेज में ये अलग अलग होते हैं ना नेक्स्ट इज ओपन एंड सीरीज अब ओपन एंड इन ओपन एंड सीरीज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन द सीरीज एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास ऑफ द सीरीज इज मिसिंग देखो अब कैसे यहाँ पे आपको बिलो फाइव दिख रहा है फर्स्ट में यहां पे ये यह बिलो फाइव दिया है ठीक है और यहां ये यह, अब ट्वेंटी एंड अब अबोव दिया है इट मीन्स इसको हम कहते हैं ओपन एंड ओपन यहां जब स्टार्टिंग हो रही है यहां पे भी ये कोई लिमिट यहां पे फिक्स नहीं है और यहां जब एंड हो रहा है तो यहां पे भी कोई लिमिट फिक्स नहीं है इट मीन्स ये क्या है ओपन एंड सीरीज है नेक्स्ट इज मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज इज द वन इन विच वी हैव द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स किड्स यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दी होती है जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन इस तरह से क्लास इंटरवल्स ना देके वो मिड वैल्यूज दे देते हैं सीधे सीधे सपोज करो अगर क्लास इंटरवल आपका 0 टू 10 है नेक्स्ट आपका 10 टू 20 है तो उसमें से मिड वैल्यू क्या निकलेगी 5 15 है ना अब वो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं लोअर लिमिट m माइनस वन बाई टू इंटू आई आई क्या है यहां पे डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज दोनों ही मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस और m क्या है द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इससे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी तो ये होती है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी means totalling or gradually building up in statistics cumulative cumulative frequency is find by adding up all the successive frequencies jitni bhi frequencies hain un sab ko add karte jate hain cumulative frequency mein example dekho dekho yahan pe class interval diya hai 15 to 20 और उसके सामने cumulative frequency कितनी दी है थ्री दी है वैसे ही next class क्या है 20 टू इसकी कम्बलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है टेन इट मीन्स इस तीन में अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ दी गई है इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी ऐड कर दिया गया है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी इट मीन्स इसमें क्या है ये टेन भी जुड़ा हुआ है वैसे ही कम्बलिक्र सॉरी कम्बलीटि फ्रीक्वेंसी में इसको समअप करते जाते हैं हम क्या करते हैं सक्सीडिंग को ऐड करते जाते हैं यहाँ पे देखो थ्री सेवन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेल्व एंड सिक्स इन सबको सम अप करते गए हैं तो ये हमको कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती गई है ओके गिट्स सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ यू हैव टू गो थ्रू होल्ड चैप्टर वंस पूरा चैप्टर आप एक बार गो थ्रू करो मेरे वीडियो को वॉच करो सुनो समझो और उसके बाद आप एक बार चैप्टर को पूरा गो थ्रू करो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इफ़ यू आर फेसिंग अ डाउट देन यू कैन मी इन द कमेंट सेक्शन ओके किड्स थैंक यू